इसमें लाए लो हमारे भाई। अस्सलाम वालेकुम जी बच्चे, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ठीक होंगे, अल्लाह ताला आपको ठीक रखे। आज हम एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, 1 इंक्लूड नहीं है आपके सिलेबस के अंदर, और 3 भी करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है, तो आज आपके लिए जो मैं आपको मैथड्स बताने जा रहा हूँ वो आपके मैथ के करियर के हवाले से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और जिसका वो मैथड का नाम है मिड टर्म ब्रेक, ठीक है। तो आपने छोटे क्लास में भी की होगी तो अब जरा दोबारा उसका रिव्यू भी हो जाएगा, तो आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, जिन बच्चों को नहीं आती तो आप सीख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके मैथ में। टेंथ के अंदर फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर और इवन के बैचलर लेवल्स तक मैथ के अंदर ये मिड टर्म ब्रेक यूज हो रही है, इसलिए आज सीख लें क्योंकि इसके बाद आपको मौका नहीं मिलेगा। तो मिड टर्म ब्रेक का मेथड आपके पास क्या है, जो लास्ट वाला कॉन्सेप्ट होता है उस कॉन्सेप्ट को आपने एक्स के कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करना होगा। अब चूंकि यहाँ पे x के कोएफिशिएंट जो खुद बनना है, इट मींस आपके पास 48 साइन का भी आ रखेगा प्लस 48 आ गया। अब आपको करना क्या है कि इसकी जो पहली टर्म है वो एज इट इज लिखनी है, इसकी जो लास्ट टर्म है वो भी एज इट इज लिखनी है, इसके मिड वाली जो टर्म है उसकी जगह पर यहाँ पे दो ऐसी टर्म्स लिखनी होगी कि जिसको आप मल्टीप्लाई करें तो वो 48 है, और जिसको प्लस माइनस करने के बाद वही दो टर्म्स आप यूज करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 आ जाएगा, और प्लस माइनस करने के बाद 14 आ जाए आपके पास, ठीक हो गया। तो उसके लिए आपको एक तो टेबल्स आने चाहिए, अगर आपको टेबल्स या वो प्रॉपर नहीं आते तो फिर मैं आपको एक और चीज सिखाता हूँ। 48 का ले लीजिए आप एलसीएम, 2 to the 4, 2 to the 4, 8, 2 to the 24, 2 to the 6, 12, एंड 2 to the 6, एंड 3, 1 to the 3, ठीक है। अब आपने करना क्या है कि इसकी पेयरिंग करनी है, इस तरीके से पेयर करने के इनको आपस में प्लस माइनस करने के बाद आपका 14 बने, मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 ही बनेगा जो हमें बनाना था, क्योंकि फैक्टर्स हम 48 के लिख रहे हैं। तो मैं पेयरिंग कर रहा हूँ कुछ इसकी, इस 2 को इस 2 को इस 2 को सेट करता हूँ, 3 2s आ गए, 2 टू द 4 एंड 4 टू द 8, ठीक है। तो 8 बनेगा आपके पास 8, ये क्या है, इस दो लास्ट का पेयर ज्यादातर जब वो पेयरिंग ऐसे बन जाती है, अगर ना आया तो फिर आप जब वो लास्ट के टर्म्स में किसी को मिलाते हो किसी तरीके से, आप जब आपने फैक्टर्स बनाने हैं तो आपने नंबर्स निकाले किसी तरीके से, तो आप कोई से भी आप कर सकते हैं इसके अरेंजमेंट। 3 to the 6, अब 8 6 का 48 होता है, तो +8 + 6 क्या आपके पास 14 आता है जी बच्चे, +8 + 6 आपके पास 14 आता है, इसका मतलब मेरे पास 8 और 6 नंबर्स है, तो मैं इस 14x की जगह पे लिख लेता हूँ +8x + 6x। तो आप चाहें तो पहले 6x लिख लें बाद में 8x लिख लें, इसी बात है, जो मर्जी किया आगे पीछे हो सकते हैं, साइन साथ साथ रहेंगे, ठीक हो गया। तो अब मजीद इसकी डिटेल हम आगे और भी करते हैं, ठीक है, बाकी पार्ट्स अभी तो आपका खुद ही जब क्लियर हो जाएगा जो छोटे मोटे कॉन्सेप्ट है। अब 4 टर्म्स आगे सारा काम आसान है, 4 टर्म्स आ चुकी है, इनमें से देखिए क्या कॉमन आ रहा है, x पीछे आ जाएगा आपके पास x + 8, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, प्लस का साइन और 6, ये जाएगा 6 × 6 और x 6 बाहर आ गया, एंड का 6 × 48। अब x + 8 हमने 5.1 के अंदर भी किया था, ये दोनों का फैक्टर सेम आ चुके हैं, तो इसको आप बाइंड कर लीजिए, तो पीछे रहेगा आपके पास ये वाला x और ये वाला +6, तो ये इसका फाइनल आंसर हो गया, हमने मिड टर्म ब्रेक मेथड को फैक्टराइज कर लिया। जीओ वाली टर्म ऐसे आ गई, जीओ वाली टर्म ऐसे आ गई, मिड वाली टर्म को हमने ब्रेक कर दिया 8 और 6 में, इसीलिए इस मेथड का नाम है मिड टर्म ब्रेक, ओके। आइए मुझे ये करते हैं, ये -42 है, इसके एक्स के कोएफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आ जाएगा -42, ठीक हो गया। ये वाला एक्स स्क्वायर वैसे आ जाएगा, ये -42 वैसे आ गया, सेंट्रल की वैल्यूज को देखते हैं क्या करना है। अब आप इस कल से ले लें -42 का नहीं खाली 42 का, ऐसे हम हमेशा पॉजिटिव नंबर कर लेते हैं, तो ये 2 to the 4, 2 1 the 2, 3 7 the 21, 7 1 the 7, क्या किया जाए, तो ये इतना तय करते अपनी मर्जी से, 2 3 2 3 the 6 हो जाएगा, और 6 में से आपके पास ये 7 है, तो अगर मैं 6 और 7 को जोड़ता हूँ, 6 7 तो 42, वो तो ठीक है, लेकिन मुझे यहाँ पे क्या करना है कि -11 भी लेके आना है, तो मैं क्या करता हूँ -7 - 6 कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे 11 के साथ माइनस साइन भी चाहिए, तो मुझे एक दिन को ऐड करना था और दूसरा मुझे जब वो बड़ी वैल्यू के साथ माइनस करवाना था, तो ये कर लेगा -, प्लस हो जाएगा 11 और साइन बड़ी वैल्यू का हो जाएगा आपके पास -11, ठीक है। तो अब आपके पास क्या हो गया, 6 7 42 हो गया, और -6 - 7 - - प्लस और साइन बड़ी वैल्यू का, तो -11x आ गया। मिस्टेक एक मैं कर रहा हूँ, मैं आपको अभी नहीं बताने लगा, जो मिस्टेक आप करोगे मैं करके बताऊंगा कि आप ये मिस्टेक कर रहे हो, ठीक है।
तो अब जरा देखिए माइनस सिक्स माइनस सेवन एक्स है, माइनस सिक्स आ गया और माइनस सेवन एक्स आ गया। तो अब इन दोनों में से x कॉमन लेंगे, ये जगह आपके पास x माइनस सिक्स, इन दोनों में से क्योंकि अभी इधर माइनस आ रहा है माइनस कॉमन लिया और सेवन भी कॉमन आ जाएगा क्योंकि सेवन सिक्स का 42 होता है। तो ये जगह x माइनस फिर से साइन पे आ जाएगा प्लस और ये सिक्स आ गया। ठीक है, क्या हुआ, ये था x माइनस सिक्स, ये है x प्लस सिक्स। मैंने ये बोला था कि दोनों टर्म्स आपके पास होने चाहिए सेम सेम, ये हम 5.1 में डिस्कस कर चुके हैं। तो ये आपके पास सेम नहीं आ रहा। अब बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, जबरदस्ती इसको यहाँ पे माइनस रूट बना देते हैं और इसको आगे सॉल्व कर देते हैं। लेकिन एक्चुअली देखे ना कि अगर आपके पास ये चीज सेम नहीं आई, इट मींस आपके पे मिस्टेक है। अब आप ऊपर जाए ऊपर स्टेप में दोबारा इसको रीचेक करें, क्या बाकी सिक्स और सेवन आपके पास उसके फैक्टर्स थे। ठीक है, तो अगर हम देखें माइनस सिक्स माइनस सेवन, ये तो माइनस इलेवन, ये ठीक है, गलती कहाँ पे हो रही है। तो जरा आइए जरा इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं, माइनस सिक्स माइनस सेवन को, सिक्स से मतलब 42 एंड माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। क्या गलती है, हमें क्या चाहिए था माइनस 42, मल्टीप्लाई करने से क्या आ रहा है प्लस 42। इसका मतलब आपने मल्टीप्लाई करते हुए साइन का भी ध्यान रखना है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि आप देखो दो कंडीशन मैंने ऊपर बताई थी कि मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका पास 48 आना चाहिए, प्लस प्लस 48 आना चाहिए और प्लस माइनस करने के बाद 14 आना चाहिए। ठीक है, तो फिर क्या हुआ, इस तरीके से भी ऐसे ही होगा कि यहाँ पर आपके पास माइनस 42 था तो मल्टीप्लाई करने के बाद मेरे पास माइनस 42 आना चाहिए, प्लस 42 नहीं आना चाहिए। इट मीन इसके अलावा तो कोई हाल ही नहीं। तो फिर हम ये कह सकते हैं कि 6 और 7 फैक्टर्स भी हैं, कोई और ढूंढते हैं। 3 2 को 3 के साथ ज्वाइन किया, 2 को 7 के साथ कर दो, 2 7 था 14 और 3 आपके पास एलिमेंट आ गया, 14 3 का 42 होता है। तो अब पहले इसका साइन जरा देखें क्या 11 कैसे आता है, मुझे माइनस 7 चाहिए, बड़ी वैल्यू के साथ मैंने माइनस कर दिया। अब चूंकि इसको माइनस करना होगा तो मुझे यहाँ पर प्लस 3 के साथ 10 लगाना होगा ताकि ये माइनस प्लस माइनस हो जाए, 14 में से 3 निकाले 11 और साइन बड़ी वैल्यू का। ये तो होगी आपके पास पहली कंडीशन होगी। ठीक है, अब क्या माइनस 14 और प्लस 3 इसको मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आ रहा है, 14 3 का 42 एंड प्लस माइनस माइनस, तो देखो दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई हुई। इट मींस आपके पास जो फैक्टर्स थे वो 6 और 7 नहीं थे, वो आपके पास क्या है 14 और 3। ठीक है, बल्कि माइनस 14 और 3। तो ये जगह आपके पास माइनस 14x एंड प्लस 3x, इन दोनों में से x कॉमन आ गया, पीछे देखा x माइनस 14, इन दोनों में से प्लस 3 कॉमन आ जाएगा x माइनस 14। अब बराबर आ गया सेम से, गुड, x माइनस 14 और पीछे रहेगा ये x और प्लस 3। जब दोनों सेम आ गए तो बाहर निकाल के एक मिनट का लिख लें, बाकी जो वैल्यू बचेगी वो इकट्ठी करके आगे आ जाएगी। ये इसका फाइनल आंसर होगा। ठीक है, इसके सारे पार्ट्स कीजिएगा, जो ना समझे मुझसे पूछ लीजिएगा, जो फैक्टर ना बन रहे हो अब मुझसे पूछ के क्लासरूम में क्वेश्चन कर लीजिएगा। आइए इसका जो है वो क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट करते हैं। वो है आपके पास बिल्कुल मेटम ब्रेक ही करनी है, 5 को पहले एक्स के कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करनी है। इसमें फर्क यही है कि अब एक्स के साथ जब डिफरेंट कोफिशिएंट आ रहे हैं वहां पे नहीं थे 1 1, 5 4 था 20। अब क्योंकि प्लस का साइन है प्लस 20 का एलसीएम लेंगे। ठीक है, 2 10 का, 2 5 का एंड 5 1 का। ठीक है, तो क्या फैक्टर्स बनेंगे, तो पेयरिंग कर लें, इसकी पेयरिंग कर लें 2 to the 4 और 5। ठीक है, जो पहले भी थे 4 और 5, तो 4 और 5 तो 20 एग्री है, लेकिन 4 और 5 को ऐड करने से 12 नहीं बनता। इट मींस ये नहीं है। अब कुछ बच्चों को आंसर आ भी गया होगा, 5 and 2, 5 to the 10, 10 plus 2, 12। तो ये जगह आपके पास 4x² और प्लस 5 आ गया, 12x की जगह लिखेंगे प्लस 10x एंड प्लस 2x, आगे पीछे कर ले कोई इशू नहीं है। इन दोनों में से 2x कॉमन आ जाएगा, पीछे रहेगा आपके पास 2x प्लस 5, इन दोनों में से कुछ कॉमन नहीं आ रहा है मींस 1 आएगा। जब भी किसी जगह से कोई कुछ कॉमन ना आ रहा हो तो फिर आप 1 लिखा करेंगे। और ये जगह आपके पास 2x प्लस 5, 2x प्लस 5 ये एक मिनट पर लिखा, पीछे आपके पास आ जाएगा 2x प्लस 1, तो ये इसका फाइनल आंसर हो गया। ठीक हो गया, तो अब चलते हैं इसकी बारी, ये 20 माइनस 21 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये जगह आपके पास माइनस 105। ठीक है, तो 105 का क्या कर लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं, 2 5 का 10, बल्कि 2 के टेबल पर जाएंगे ना 3 3 भी नहीं, इसके बाद किसके टेबल पर जाएगा
फाइव के, बल्कि थ्री में जा रहा है, थ्री थ्री था नाइन एंड थ्री फाइव था फिफ्टीन, ठीक है, उसके बाद फाइव सेवन था एंड सेवन वन था, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि इसको किस तरीके से सॉल्व करना है। तो इसको थ्री फाइव का इसकी बेरिंग में थ्री फाइव का फिफ्टीन, फिफ्टीन और सेवन, क्या फिफ्टीन और सेवन को प्लस माइनस करने को माइनस सिक्सटीन आ रहा है? नहीं, कोई और पेयर करते हैं थ्री को सेवन के साथ, थ्री सेवन का ट्वेंटी वन और पीछे रह जाएगा फाइव, क्या इसको प्लस माइनस करें? आपको माइनस चाहिए तो बुरी वैल्यू से हम माइनस करते हैं और इसके बाद प्लस आ जाएगा, ट्वेंटी वन में से फाइव माइनस किया सिक्सटीन, बड़ी वैल्यू के साथ माइनस सही हो जाएगा, माइनस सिक्सटीन आ रहा है। तो क्या इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाते हैं, जरा क्या वन जीरो फाइव आता है, फाइव वन का फाइव, फाइव टू का टेन, प्लस माइनस माइनस, ओ माइनस वन जीरो फाइव चाहिए था वो भी आ गया, इट मीन्स आपके पास क्या है फाइव एक्स स्क्वायर माइनस ट्वेंटी वन एक्स प्लस फाइव एक्स माइनस ट्वेंटी वन, ठीक है। इन दोनों में से एक्स कॉमन आ रहा है फाइव एक्स माइनस ट्वेंटी वन, इन दोनों में से प्लस वन कॉमन आ रहा है फाइव एक्स माइनस ट्वेंटी वन, दोनों सेम आ चुके हैं, फाइव एक्स माइनस ट्वेंटी वन को एज इट इज लिखा एक बार और एक्स प्लस वन ही हम इसका फैक्टराइज करके इसके फैक्टर्स बन चुके हैं, ठीक हो गया। उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर आपको समझ आएगा, अगर जो ना समझ आ रहा है उसे डिस्कस कर सकते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।